आज हम HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो से जोड़कर टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे HC05 ट्रांस रिसीवर मॉड्यूल, एक LED, 330 ओहम्स का एक रजिस्टर, आर्डिनो उनो और कुछ वायर्स। HC05 मॉड्यूल को ब्रेडबोर्ड पर जोड़ दें, साथ ही LED को भी जोड़ें। LED के छोटे पैर से एक रजिस्टर को जोड़ें। रजिस्टर का दूसरा पैर ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल से जोड़ें। HC05 के VCC को आर्डिनो के 3.3 वोल्ट से जोड़ें। आर्डिनो के एक ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल से जोड़ें। HC05 के ग्राउंड पिन को भी ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल से जोड़ें। HC05 के TXD पिन को आर्डिनो के RX पिन से जोड़ें। HC05 के RXD पिन को आर्डिनो के TX पिन से जोड़ें। आर्डिनो के पिन नंबर 7 को LED के लंबे वाले पैर से जोड़ें। अब इस प्रोग्राम का कोड डाउनलोड कर लें और उसे अपने कंप्यूटर पर ओपन कर लें और उसे आर्डिनो में अपलोड करें। अपलोड करते समय आपको TX और RX से जुड़ी हुई वायरें थोड़ी समय के लिए हटानी होंगी। प्रोग्राम का अपलोड पूरा होने पर वायरें दोबारा जोड़ लें। अब एंड्रॉयड के ऐप स्टोर से आर्डिनो ब्लूटूथ टर्मिनल इस नाम का ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लें और ऐप को ओपन करें। इसमें आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस की लिस्ट दिखाई देगी, उसमें से HC05 इस नाम को सेलेक्ट करें। अगर यह नाम नहीं दिख रहा तो जिस डिवाइस के साथ कोई भी नाम नहीं दिखता हो उसे सेलेक्ट करके देखें। एक बार सेलेक्ट हो जाने पर फिर आपको HC05 नाम लिस्ट में दिखाई देगा। अगले स्क्रीन पर आपको दो चॉइस दिखाई देते हैं, रिसीवर और टर्मिनल। हमें फ़ोन का इस्तेमाल टर्मिनल की तरह करना है तो टर्मिनल को ही चुनें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्क्रीन पर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड ऐसा मैसेज दिखाई देगा। नीचे बॉक्स में टाइप योर मैसेज ऐसे लिखा है। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने पर कीबोर्ड दिखाई देगा। हमने LED ऑन करने के लिए स्मॉल a और ऑफ़ करने के लिए स्मॉल b इन कैरेक्टर्स का प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इस तरह आप आर्डिनो के 2 से लेकर 13 तक के सभी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगले वीडियो में हम आर्डिनो के कुछ और पोर्ट्स को ब्लूटूथ से कंट्रोल करके देखेंगे।